अरे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज अपनी इस 10 की कक्षा में निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। विगत दिनों हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र का निगमन किया था। आज हम लोग उसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जो सूत्र है, डी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर मात्रक के रूप में, इसी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसी प्रश्न के अंतर्गत एक जगह आपको मूल बिंदु से भी किसी बिंदु के बीच की दूरी का भी वर्णन आएगा। हम पहले ही आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ध्यान से देखिए, अगर इस ग्राफ के प्लाट पर यह यक्स और यक्स डैश, वाई और वाई डैश है, यहाँ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से किसी भी बीसी बिंदु, सपोज करिए पी है जिसका निर्देशांक यक्स वन और वाई वन है, इसके बीच की जो दूरी है मूल बिंदु से, यह दूरी प्राप्त करने के लिए हमें इस सूत्र से भी हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। और उस सूत्र के बगैर अगर हमें मूल बिंदु से सीधे आपको उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इतने बड़े सूत्र का प्रयोग न करते हुए हम मूल बिंदु से किसी बिंदु P x1 y1 के बीच की दूरी का सूत्र D बराबर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि यहाँ x2 और y2 की वैल्यू शून्य है, दोनों के मान शून्य होने के कारण यह हमारा सूत्र निकल के आया है x1 कारी में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। आइए हम लोग इसी अध्याय पर आधारित, इसी प्रसंग पर आधारित जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, कुछ प्रश्न हम आपको लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, इसके मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसके विषय में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, हम पहले क्वेश्चन के हल को कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु हैं यक्स 4-3 और 2-5। 4-3 और 2-5 को सबसे पहले हम इन्हें इंगित करेंगे। यक्स वन की वैल्यू यहाँ 4 है दिखाई जा रही है, और y1 की वैल्यू यहाँ 3 दिखाई गई है, x2 की वैल्यू यहाँ 2 दिखाई गई है, और y2 की वैल्यू 5 दिखाई गई है। x1, y1 और x2, y2 के प्रदर्शित करने के उपरांत हम सीधे अपने मूल सूत्र पर पहुँचते हैं। आपको पता है यह भी सूत्र है, और d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, हमने कल ही आपको सूत्र दिया था, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस यहाँ पर गलत लिख दिया, ये y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह भी एक सूत्र है, यह भी एक सूत्र और यह भी एक सूत्र है। दोनों सूत्र से हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो एक ही तरह का उत्तर होगा, ये मैं कल इसके विषय में बता चुका हूँ आपको। आइए मैं एक बार इन दोनों सूत्रों पर हल करके आपको एक प्रश्न को दिखाता हूँ, शेष प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। आइए अब हम लिखते हैं, हम पहले सूत्र को ध्यान में पहले दें, d बराबर अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे हम लोग सूत्र d बराबर अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमें सतर्कता केवल उन भुज और कोट के मानों पर दी जाती है। यदि वे मान ऋणात्मक होते हैं तो बहुत ही सुग्राहिता से उन मान को हम प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा की स्थिति में ऋण और धन के होने के वजह से हमारा प्रश्न गलत भी हो सकता है। आइए, यहाँ ऋण धन का कोई विशेष मामला नहीं है, हम सीधे ले जाते हैं इसको हल करने के लिए। d इज इक्वल टू कर्णी में
यक्ष टू की जगह पर आप देखें टू, यक्ष वन की जगह पर फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई टू की जगह पर फाइव और वाई वन की जगह पर थ्री इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट, यहां देखिए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से हम देख रहे हैं, माइनस टू का होल स्क्वायर भी फोर होता है और टू का होल स्क्वायर भी फोर होता है। इस प्रकार से हमारा यह d बराबर जो मान आया अंडर रूट आठ मात्रक के रूप में प्राप्त हो गया। यदि इस कड़ी में आए हुए मान का वर्गमूल प्राप्त हो सकता है तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग वैसे ही कड़ी में रख लेंगे। आठ का वर्गमूल कुछ अंश पार्ट में निकल सकता है, हम d बराबर जान सकते हैं, बहुत लोग देख भी रहे हैं, टू रूट टू मात्रक। केवल हम इतना ही लिख देने से हमारा उत्तर ये सही हो जाता है। ठीक इसी प्रश्न को आपको इस दूसरे सूत्र पर भी आपको पिरो के दिखाता हूँ, इससे भी हमारा उत्तर टू रूट टू ही प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, d इक्वल टू दूसरे सूत्र से d इक्वल टू अंडर रूट यक्स वन माइनस यक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहें, करणी में यक्स वन की वैल्यू आप यहां से उठाओगे, वो यक्स टू की वैल्यू यहां से टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन की वैल्यू थ्री और वाई टू की वैल्यू फाइव का होल स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां घटाएंगे तो d इक्वल टू अंडर रूट फोर अब प्लस इसकी भी जो होल वर्ग है फोर ही आएगा, देन d इक्वल टू अंडर रूट एट प्राप्त होगा, पंखा नहीं है, d इक्वल टू अंडर रूट एट प्राप्त होगा, देन d इक्वल टू टू रूट टू प्राप्त हो जाएगा और हम इसको टू रूट टू मात्रक के रूप में यहाँ भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने यह प्रदर्शित है, चाहे हम इस सूत्र से निकालें चाहे हम इस सूत्र से निकालें, किसी भी सूत्र का प्रयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे यह हम दूरी निकाल रहे हैं, दूरी प्राप्त कर रहे हैं, दूरी के लिए यूनिट्स का होना जरूरी है, मात्रक का होना जरूरी है। इस प्रकार हम इसके मात्रक का जब प्रदर्शन करेंगे तो मात्रक के रूप में हम यहाँ कोई मिलीमीटर सेंटीमीटर आदि नहीं दिया हुआ है, परंतु दूरी है, दूरी के लिए किसी यूनिट्स का होना जरूरी है। कोई यूनिट्स हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम सीधे यूनिट लिखेंगे अथवा मात्रक शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। मात्रक शब्द का प्रयोग न लिखने से यह हमारा प्रश्न का उत्तर गलत साबित हो सकता है। आइए हम अपने इस दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी उसी पर आधारित है। दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम इसी प्रश्न का सहारा लेंगे और दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ 20 एंड माइनस 64 है। आप देख सकते हो यक्स वन इक्वल टू टू, देन यक्स टू इक्वल टू माइनस 6, देन वाई वन इक्वल टू 0, देन वाई टू इक्वल टू 4। ये मान प्राप्त है। आप अब इसके मान को d बराबर, अब आपको यकीन हो चुका है हम किसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आइए हम किसी सूत्र एक का प्रयोग करें। सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट x1 इक्वल टू 2, देन x2 इक्वल टू माइनस 6। देखिए ध्यान से, ऐसा जहां पर धन और ऋण दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे
वैसी लिखने की स्थिति इस प्रकार पैदा होगी, अन्यथा की स्थिति में गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई वन के लिए आप जीरो, देन वाई टू के लिए फोर का होल स्क्वायर करेंगे। आप d इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस माइनस यानी प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां देखें माइनस फोर का होल स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट एट का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 16। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, d बराबर अंडर रूट 6 4 10 और 6 1 7 1 8। कहानी में 80 आया, गलत तो नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, x1 माइनस x2 टू माइनस माइनस सिक्स तो ये जुड़ जाएगा, 8 हो गया, और y1 माइनस y2 जीरो माइनस फोर का स्क्वायर। इस प्रकार से कड़ी में 80 प्राप्त हुआ। कड़ी में 80 का अगर वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल देख लीजिए, इसका d इक्वल टू कड़ी में 80 का वर्गमूल 4 रूट 5, 4 चौके 16 25 80 होता है, 4 रूट 5 मात्रक आपका मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा यह दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। आइए हम एक प्रबल ऋणात्मक के मान को प्रदर्शित करना चाहें। एक अगला सूत्र हमारा है उसको भी देखिए, एक सवाल भी हमारा है, इस मान को देखते हैं हम लोग। सवाल है -5 देन 7 एंड -1 3। प्यारे बच्चों, इसके मानों को 5 -5 7 और -1 3 को यहाँ पुटअप करिए। x1 की वैल्यू -5 यहाँ देख करके, x2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1 नहीं सॉरी y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3। x1 y1 x2 y2। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए इस मान को, कुछ नहीं करने हैं, सीधे आप मान को प्राप्त लिखिए। यहाँ x1 के मान पर अंगुली रखिए, -5 माइनस x2 की वैल्यू है -1 और इस पूरे का होल वर्क करिए, प्लस y1 7 और y2 3 का होल वर्क कर दीजिए, देन d इक्वल टू अंडर रूट -5, थोड़ा देर होगी, हम एक कदम आगे चलेंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 निकल जाएगा 4 का स्क्वायर, देन d इक्वल टू अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग डालते हैं d इक्वल टू 16 प्लस 16, देन d इक्वल टू √32 √32 और 32 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 32 का वर्गमूल निकालेंगे, 32 का खंड करेंगे, क्या क्या होता है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 यानी 2 5 बार होता है। तो हम देखें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते हैं, जोड़ा बना के इसका प्राप्त कर लेते हैं, 2 × 4 √2 4 चौके 16 × 32 होता है, इतना मात्रक प्राप्त हो जाता है इसका उत्तर। इस प्रकार से आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने 3 प्रश्नों का चयन किया था, तीनों को बारी बारी से हल करके आपको प्रदर्शित भी कर दिए हैं। अब आप तीनों प्रश्नों की सहायता से, कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं जिन्हें आप घर पे हल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप तत्काल पूछिएगा।
ध्यान से देखिए, आपको होमवर्क में कुछ प्रश्नों को दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको घर पे हल करना है। इनके बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। वो बिंदु हैं, पहला सवाल आपका होगा ऋण एक कामा दो, व दूसरा है ऋण तीन कामा जीरो। दूसरा सवाल होगा ऋण तीन कामा पाँच व तीन कामा एक। तीसरा सवाल होगा चार कामा पाँच व सात कामा छ। चौथा सवाल होगा जीरो कामा चार व चार कामा जीरो। और पांचवा सवाल होगा ऋण एक कामा ऋण एक व ऋण चार कामा चार। इस प्रकार से ये पांच प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। पांच प्रश्नों को होमवर्क से आप हल करेंगे। हल करके इनके अपने होमवर्क की कॉपी में हल करके दिखाएंगे। यदि नहीं समझ में कहीं कोई बात आती है तो लिख करके पूछेंगे। धन्यवाद।